अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हेलो व्यूवर्स, आज की हमारी रेसिपी है नमक पारे। ये बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिया है हमने 250 ग्राम मैदा। मैदे में हमने थोड़े से कलौंजी ऐड की है। थोड़ा सा हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। और थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे असली घी आधा कप। आधा कप हमने यहाँ पर मिल्क ऐड किया है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसका अच्छा सख्त सा डो बना लेंगे। यहाँ पर डो तैयार हो चुका है। इसमें से हम चार हिस्से करेंगे। इसका हम एक हिस्सा लेके और इसकी हम पतली सी रोटी बेलेंगे। आप जितनी पतली ये बेलेंगे नमक पारे उतने ही अच्छे बनेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर कुछ इस तरह से हम इसे शेप देंगे। और इसे हमें धीरे धीरे उठाकर एक प्लेट में निकाल लेना है। पैन में हम ऑयल को अच्छी तरह से गरम करेंगे। गरम करने के बाद इसमें हम ये सारे नमक पारे ऐड कर देंगे। इसे हमें फुल फ्लेम पर अच्छी तरह से तेल को गरम करना है। फिर गैस की फ्लेम को हम स्लो करने के बाद ही इसमें नमक पारे ऐड करेंगे। आप हमेशा ये बात याद रखिए, भजिए तलते वक्त या ऐसी कोई भी स्नैक्स आप फ्राई कर रहे हो तो तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम स्लो करने के बाद ही ये सब चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अगर आप गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, स्लो नहीं करके इसमें स्नैक ऐड करेंगे, जो आप पहले स्नैक्स में ऐड किए वो बहुत जल्द पक जाएगी और बाद में जो स्नैक आप ऐड कर रहे हैं वो नहीं पकेंगे। तो इसमें क्या होता है, थोड़े से स्नैक कच्चे रह जाते हैं और थोड़े से स्नैक अंदर से पक जाते हैं। अगर आप ऐसे ही कोई गलती कर रहे हो तो आगे से मत कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।